नमस्ते, मैं अनुजा आप सबका अपने कुकिंग चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी है टमाटो राइस बनाने की। ये बहुत ही आसान तरीका होता है टमाटो राइस को बनाने का, जो कि बहुत ही खुशबूदार बनते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस रेसिपी को। इन्हें बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप भर के बासमती राइस। आप चाहे तो कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। इन्हें मैंने धो के थोड़े से पानी में भिगो दिया है। आज की रेसिपी मैं कुकर में बना रही हूँ, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है, 1 चम्मच जीरा ऐड किया है और 1/2 चम्मच राई डाल रही हूँ, 1 तेज पत्ता, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 7 से 8 काजू और खड़ी चना दाल, जिसे मैंने धो के साफ कर लिया था। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और अब इसमें डाल रही हूँ किसा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन 3 से 4 कलियां ली है मैंने, 1 छोटा कटा हुआ प्याज। सबको मिक्स कर लूंगी और प्याज को थोड़ा सा मुलायम होने दूंगी। इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और अब इसमें डालूंगी 2 बड़े कटे हुए टमाटर। इन्हें अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करके थोड़ा सा मुलायम होने दूंगी और अब डालूंगी पिसे हुए मसाले। सबसे पहले धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर जो बहुत अच्छा कलर देती है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। इन सबको प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी और टमाटर को थोड़ा सा मुलायम होने दूंगी। तो आप देख सकते हैं टमाटर कितनी अच्छी तरह से पक के तैयार हैं और इसमें से तेल भी छूट रहा है। तो अब समय है इसमें चावल ऐड करने का। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के चावल लिया है और इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े कप भर के पानी। पानी ऐड करने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से धनिया पाउडर डाल दूंगी। आप चाहे तो इसमें मिंट पाउडर या फिर मिंट की लीव्स भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक ऐड करके स्वाद अनुसार इसे कवर कर दूंगी और 3 सीटी होने तक पकाऊंगी। तीन सीटी होने के बाद मैं इसे ठंडा होने दूंगी और प्रेशर को उतरने दूंगी। तो लीजिए, हमारे खिले खिले चावल बनके तैयार हैं। इनमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, जो कि पूरे घर में फैल चुकी है। तो इसे थोड़ा सा धनिया के साथ गार्निश कर दूंगी और टमाटर के साथ सर्व कर दूंगी। आप चाहे तो इन्हें दही के साथ भी खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारे बहुत ही बढ़िया खुशबूदार टमाटो राइस बनके तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही बढ़िया बनती है। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके चावल किस तरह से बने हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में।